तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले इस स्मार्टफोन के अंदर आफ्टर 3 मंथ बाद कंप्लीट चार्जिंग टेस्ट। और दोस्तों, आपको बताने वाले हैं कि ये जो स्मार्टफोन है जब न्यू था जब कितनी देर में चार्ज होता था, और दोस्तों 3 मंथ बाद जो है इस स्मार्टफोन को कंप्लीट चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे न्यू कूल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास है इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के अंदर आफ्टर 3 मंथ बाद जो है चार्जिंग टेस्ट। दोस्तों, इस स्मार्टफोन को जो है 3 महीने से ज्यादा ही हो चुके हैं, और आज की इस वीडियो में इसमें जो है हम फुल जो है चार्जिंग टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका जो स्मार्टफोन है 3 महीने बाद जो है कितनी देर में चार्ज होता है। इससे पहले जो जब ये स्मार्टफोन न्यू था तब मैं वीडियो बना चुका हूँ, और दोस्तों इसको जो है कंप्लीट चार्ज करके भी मैं आपको बता चुका हूँ, और लगभग आपके स्मार्टफोन को उतना ही टाइम लगता है, 1 घंटे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से चार्ज करके देखेंगे और आपको बताएंगे कि अब कितना टाइम लगता है 3 महीने बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने हीटिंग मशीन रख रखी है, स्टॉप वॉच रख रखी है, स्मार्टफोन रख कर रखा हुआ है, और दोस्तों इसका जो 45 वोल्ट का चार्जर है इन्फिनिक्स का, जो कि इसी के साथ आता है, वो हमने यहाँ पर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर और बात करें इसकी बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी आपकी जो है 5000 mAh की बैटरी मिलती है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। और दोस्तों यहाँ पर बैटरी बताऊँगी कितनी चार्ज है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो है कितनी चार्ज है बैटरी हमारी। तो यहाँ पर देखिए करता हूँ बैटरी परसेंटेज को यहाँ पर निकाल लेते हैं बैटरी परसेंटेज, और आप यहाँ पर सकते हैं हमारा जो स्मार्टफोन है यहाँ पर अभी 5% चार्ज है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा आपको यहाँ पर फोकस करके बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन है यहाँ पर 5% अभी चार्ज है। अब दोस्तों यहाँ पर चार्ज करते हैं, और दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो एडेप्टर है, एडेप्टर इसमें कनेक्ट कर देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं, और आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टॉप वॉच को भी हम यहाँ पर ऑन कर देंगे और आपको बताएंगे। यहाँ पर एरोप्लेन पर कर देता हूँ, एरोप्लेन पर करने के बाद दोस्तों इसे करता हूँ मैं कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे जो है कर लेता हूँ स्विच ऑफ, मतलब पावर बटन स्क्रीन ऑफ कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में हम हीटिंग मशीन से चेक करेंगे कि हमारा जो स्मार्टफोन है हीट हुआ है या नहीं हुआ है, कितना अगर हीट हुआ भी है तो कितना क्या हमारा जो स्मार्टफोन हीट हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं बोर्ड का, और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप वॉच को ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों को एक साथ ऑन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन है यहाँ पर चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है 5% से, ऑल राउंड फास्ट चार्जिंग यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अब टोटल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं वीडियो जो है यहाँ पर थोड़ी टाइम लैप्स कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों हमें ज़्यादा समय लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो देखते हैं और आपको बताते हैं, लास्ट में रिव्यू देंगे कि कितने का चार्ज हुआ है हमारा स्मार्टफोन। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और दोस्तों यहां पर 2 मिनट में हमारा जो स्मार्टफोन है 5% से 9% यहां पर हो चुका है। चलिए यहां पर और चार्ज करते हैं और आपको बताते हैं, अब वीडियो को मैं टाइमलेस बना देता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आधे घंटा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, 30 मिनट यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें हमारे स्मार्टफोन की कि हमारा जो स्मार्टफोन है कितना चार्ज हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ हमारा जो स्मार्टफोन है यहाँ पर 59% यहाँ पर हो चुका है, 32 मिनट में मान लेते हैं, 32 मिनट में जो है यहाँ पर 59% कंप्लीट हो चुका है, मतलब आधे घंटे में जो है सही चार्ज हो गया हमारा स्मार्टफोन। चलिए और देखते हैं और आपको बताते हैं कि कितनी देर में कितना चार्ज होने वाला है, और कितने चार्ज होगा हमारा स्मार्टफोन फुल, कितनी देर में चार्ज होगा।
तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 57 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, 57 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन है यहाँ पर 97% हो चुका है, मतलब 3% और बचा। और दोस्तों 3 मिनट जो है यहाँ पर होने वाले हैं, मतलब 3 मिनट बचे हैं 1 घंटे में। चलिए यहाँ पर देखते हैं 3% और जो है कितनी देर में होता है हमारा स्मार्टफोन, और दोस्तों यहाँ पर जो है 100% कितनी देर में होता है। देखिए 98% हो चुका है। अब दोस्तों 100% का वेट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर 59 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन है 99% यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, मतलब दोस्तों 1% और बचा है, 1% और देखते हैं कितनी देर में चार्ज होता है, और लगभग हमारा जो 1 घंटा भी कंप्लीट में होने वाला है। चलिए यहाँ पर जो देखते हैं, वेट करते हैं कि 100% जो है कितनी देर में होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारा जो स्मार्टफोन है यहां पर 100% कंप्लीट हो चुका है, और दोस्तों यहां पर जो है 59 मिनट में, मतलब यहां पर जो है 59 मिनट में यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन है 100% हो चुका है, 5% से 100% हुआ है। और दोस्तों अगर हम जो 1% से यहाँ पर चार्ज करते हैं, 0% से चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर लगभग जो है 1 घंटे 5 मिनट के आसपास टाइम लगता। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा स्मार्टफोन है यहाँ पर काफ़ी जल्दी चार्ज हो चुका है, मतलब यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ तो जो इसकी चार्जिंग स्पीड है लगातार यहाँ पर जो है सही वर्क कर रही है। यहाँ पर 3 मंथ बाद भी हमारा स्मार्टफोन जो है उसी तरीके से चार्ज हुआ जो कि शुरू में हुआ था। शुरू में भी जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्मार्टफोन है 1 घंटे 5 मिनट के पास में जो यहाँ पर कंप्लीट 100% चार्ज हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हीटिंग की बात करें तो हीटिंग कैसी क्या हुई, चलिए इसको जो है निकाल देते हैं। आप दोस्तों हीटिंग की बात करें कि हीटिंग हुआ है कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर मेरे को लग तो नहीं रहा है हीटिंग, चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं हीटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों हीटिंग भी नॉर्मल है, यहाँ पर देख सकते हैं 98.2 है, नॉर्मल है, यहाँ पर जो है हीटिंग भी नहीं हुआ हमारा स्मार्टफोन। बाकी इसकी जो चार्जिंग स्पीड है सही है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों आप भी बताएं कि आपका स्मार्टफोन कितनी देर में चार्ज होता है। दोस्तों मिलते हैं इसी नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।